तो बस फाइनली पाकिस्तान की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी द लेजेंड ऑफ मौला जट को फाइनली 21 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, जिसने बॉलीवुड के टॉप एक्टर और बहुत बड़े बड़े बजट में बनने वाली फिल्मों को भी पीछे छोड़ के रख दिया और बहुत से नए रिकॉर्ड्स बना दिए हैं। और दोस्तों इस मूवी ने कितना वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस क्रैशन कर लिया है सिर्फ 21 ही दिनों में। तो दोस्तों क्या आप फैन हैं द लेजेंड ऑफ मौला जट मूवी के और कर रहे थे इस मूवी का वेट, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके लास्ट तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों आपको बता देंगे ये फिल्म एक्शन थ्रिलर और ड्रामा से भरपूर फिल्म है जो कि पाकिस्तान के 50 से 55 करोड़ रुपए के बजट में बनाई गई है। और दोस्तों अगर बात की जाए इस मूवी की इंडियन रुपीज़ की, तो दोस्तों आपको बता दें कि ये मूवी इंडियन रुपीज़ में 23 से 24 करोड़ रुपए के बजट में बनाई गई है, जो कि दोस्तों फाइनली 13 अक्टूबर 2022 को रिलीज़ की गई है। आपको बता दें कि दोस्तों इस फिल्म का जो ट्रेलर है 21 दिसंबर 2018 को रिलीज़ किया गया था और फाइनली 4 साल बाद जब इस मूवी को रिलीज़ किया गया तो दोस्तों फैन में बहुत ज़्यादा इस मूवी का क्रेज़ बढ़ गया और इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था बहुत ही धमाकेदार था, बहुत ही शानदार था। आपको बता दें कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है बिलाल लशारी ने और दोस्तों ये फिल्म पंजाबी उर्दू लैंग्वेज फिल्म है जो कि 1979 मौला जट का सेकंड पार्ट है। आपको बता दें कि इस फिल्म में फवाद खान, हमजा अली अब्बासी, हुमैमा मलिक और पाकिस्तान की मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस मायरा खान ने अहम किरदार अदा किया है। दोस्तों आपको बता दें कि ये फिल्म पाकिस्तान की मच अवेटेड और पाकिस्तान की मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी है जो कि 50 से 55 करोड़ रुपये के बजट में बनाई गई है। और आपको बता दें कि ये मूवी पाकिस्तान की वो वाहिद मूवी बन चुकी है जो कि सिर्फ 3 दिन में ही 25 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी थी और जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। और साथ साथ इस फिल्म ने 3 दिन में ही 2 बड़ी फिल्में बॉलीवुड की संजू और सुल्तान को भी पीछे छोड़ के रख दिया था पाकिस्तान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में। और इसके अलावा ये फिल्म बॉलीवुड की 1-2 फिल्में और जिसमें थैंक गॉड और राम सेतु जो कि अक्षय कुमार और अजय देवगन की मच अवेटेड और बिग बजट मूवीज़ हैं उनको भी पीछे छोड़ के रख दिया है। और इसके अलावा इस फिल्म ने आमिर खान की मूवी लाल सिंह चड्ढा को भी लाइफ टाइम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में पीछे छोड़ चुकी है, जो कि दोस्तों आमिर खान की मच अवेटेड फिल्म है और बॉलीवुड के टॉप एक्टर हैं। और इसके अलावा ये फिल्म बॉलीवुड हिस्ट्री की आज तक की सबसे महंगी तरीन मूवी RRR को भी पीछे छोड़ चुकी है UK के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में। आपको एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूँ दोस्तों, ये मूवी सिर्फ UK के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इनको बीट कर पाई है, लेकिन ओवरऑल ये मूवी इनको बीट नहीं कर सकती क्योंकि RRR मूवी जो कि 550 करोड़ रुपए के बड़े बजट में बनाई गई है और इस मूवी का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो 1200 करोड़ रुपए है, जो कि दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन है। और द लेजेंड ऑफ मौला जट इस मूवी का टोटल वर्ल्ड वाइड में तो नहीं लेकिन UK के बॉक्स ऑफिस क्रैशर में बहुत सी मूवीज़ को पीछे छोड़ चुकी है। दोस्तों आपको मज़ीद बता दें कि ये फिल्म ब्रह्मास्त्रा मूवी को भी बीट कर चुकी है जो कि 2022 में ही रिलीज़ हुई थी बॉलीवुड की। दोस्तों आपको बता दें कि इस मूवी को इंडियन फैंस, इंडियन भाई बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दे रहे हैं। आपको बता दें कि बॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर करण जौहर इस मूवी को खुद दुबई गए थे देखने के लिए और इसके अलावा इस मूवी के जो बॉलीवुड के टॉप क्रिटिक्स हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया है, काफ़ी ज़बरदस्त रिव्यूज़ दिया है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के पाकिस्तान के बॉक्स ऑफिस क्रैशन के हवाले से। दोस्तों आज इस मूवी को रिलीज़ हुए 21 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और ये मूवी पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस क्रैशन काफ़ी ज़बरदस्त कर रही है। आपको बता दें कि ये मूवी 21 दिन में पाकिस्तान से आज के दिन मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी को देखते हुए आज के दिन ये मूवी 56 करोड़ रुपये तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने जा रही है। और दोस्तों अगर बात की जाए इस मूवी की ओवरसीज़ कलेक्शन की, तो दोस्तों आपको बता दें कि इस मूवी को ओवरसीज़ में USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, UAE और नॉर्थ अफ्रीका से बहुत ही ज़बरदस्त बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिल रहा है। और दोस्तों ये मूवी ओवरसीज से तकरीबन 21 दिन में 117 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने जा रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इस मूवी की अभी तक के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये मूवी अभी तक टोटल वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान और दोस्तों ओवरसीज और मुकम्मल मिला के 183 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लेगी आज के दिन। दोस्तों उम्मीद है कि ये मूवी 200 करोड़ रुपए कलम में जल्द ही शामिल होने जा रही है। तो दोस्तों क्या आप फ़ैन हैं इस मूवी के लेजेंड के, द लेजेंड ऑफ मौला जट के, दोस्तों अभी हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान पर भी क्लिक लाजमी कीजिएगा। और दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि क्या ये मूवी 300 करोड़ रुपये के कलम में शामिल हो पाएगी या फिर नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।